So Sidhu Moosewala's team has just dropped a surprise single. इस ट्रैक में हमें Sidhu Moosewala के साथ AR Paisley का फीचर देखने को मिला है. ट्रैक का नाम है Drippy. ਜੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੇਲ ਚੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਜੱਬ. ਸੋ ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਰਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਪਾਜੀ ਕੇ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਔਰ ਵੀ ਟਰੈਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹੈ. उसके साथ साथ AR Paisley का भी फीचर देखने को मिला है, और AR Paisley भी हमें इसके पहले सिद्धू पाजी के साथ एक और ट्रैक में देखने को मिले थे. सो अगर हम बात करें इस पूरे ट्रैक की, द होल सॉन्ग हैज अ टिपिकल गैंगस्टर सिद्धू मूसेवाला वाइब. ट्रैक में बहुत सारी चीजें बोली गई है सिद्धू मूसेवाला के साइड से, इवन कुछ आर्टिस्ट के ऊपर शॉट्स तक लिया गया है. ओवरऑल दिस सॉन्ग इज अबाउट फेसिंग चैलेंजेस, डीलिंग विद एनिमीज एंड नेविगेटिंग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. सिद्धू मूसेवाला ने इस ट्रैक में लाइफ के ट्विस्ट और टर्न्स के बारे में बात किया है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे इस ट्रैक को जब हम सुनेंगे तो हमें जानने को मिलेगा. सो करते हैं ट्रैक का वॉक थ्रू. वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हें लास्ट में पता चल जाएगा कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा. तो गाने का नाम है Drippy, आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला, मर्सी और AR Paisley, लिरिसिस्ट है सिद्धू मूसेवाला और AR Paisley, कंपोज किया है ट्रैक को सिद्धू मूसेवाला ने, म्यूजिक है मर्सी का, प्रोडक्शन है गोल्ड मीडिया का और लेबल है सिद्धू मूसेवाला का. तो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है हमें मर्सी की साइड से रेज और एग्रेसिव बीट सुनने को मिलते हैं, बीट स्ट्रक्चर सुनने को मिलते हैं, जो हमें इनिशियल आइडिया दे देता है कि ये ट्रैक का जो नेचर है या फिर ये ट्रैक की जो वाइब है वो कैसी होने वाली है. ये पूरा एग्रेसिव गैंगस्टर वाइब वाला ट्रैक होने वाला है. और फिर इसके बाद हमें ट्रैक के वोकल सुनने को मिलते हैं जो कि थे सिद्धू पाजी के, और सिद्धू पाजी का पहला वर्स हमें सुनने को मिलता है. जट्टा वे जट्टा किवें आ की करदा इकल्ला विच कदों आया जेल चों ते हुण केड़े. तो यहाँ पे एक चीज है जिसे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग के लिरिक्स है जो सिद्धू पाजी यहाँ पे गा रहे हैं, ये जो लिरिक्स है ये कोई सेकंड पर्सन है वो सिद्धू पाजी को चीजें बोल रहा है. सो स्टार्टिंग में सुनने पे लग सकता है कि कोई फीमेल है वो सिद्धू पाजी को ये सब बातें बोल रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सिद्धू पाजी की जो लास्ट ईपी थी नो नेम, उसमें एक ट्रैक था जहां पे उन्होंने एक फीमेल की पीओवी से पूरा ट्रैक लिखा था, ठीक है. तो यहां पे वो चीज हो सकती है. उसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी है, अगर तुमने सिद्धू पाजी का ट्रैक मी एंड माई गर्लफ्रेंड सुना है ना, तो वहां पे उन्होंने अपनी बंदूक की पीओवी से ट्रैक लिखा था. लाइक वहां पे जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो बंदूक को अपनी गर्लफ्रेंड बुला रहे थे, ठीक है. तो यहां पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये जो बातें स्टार्टिंग में बोली जा रही है ये कोई फीमेल सिद्धू पाजी को बोल रही है, मे बी उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उनकी प्रेमिका हो सकती है, या फिर बंदूक के बारे में यहां पे भी बात हो रही है और सिद्धू पाजी फिर से बंदूक से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है. आई एम नॉट श्योर, और मैं हमेशा बोलता हूँ पंजाबी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो जिन्हें पंजाबी अच्छी तरह तरीके से आती है तुम प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर सकते हो. मैं कहीं पे भी अगर गलत जा रहा हूँ प्लीज मुझे तुम करेक्ट कर सकते हो, और मैं वो जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा. जितना मुझे समझ में आया जो इनिशियल लिरिक्स है वो सिद्धू पाजी यहाँ पे नहीं बोल रहे, कोई और कैरेक्टर है, या तो कोई फीमेल है या तो उनकी गन है जो सिद्धू पाजी से बात कर रही है. सो इनिशियल लिरिक्स तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, सिद्धू पाजी से पूछा जा रहा है कि जट तुम कैसे हो, क्लब में कैसे आए हो और जेल से तुम कब बाहर निकले. अगेन जेल वाले इंसिडेंट तुम्हें पता होगी, सिद्धू पाजी को अरेस्ट किया गया था, तो वो सारे इंसिडेंट को यहाँ पे कॉल बैक किया जा रहा है. आज भी किसे ना किसे मारते किया तेरे दिल चते किया तेरे डब च. और इसके बाद की जो लाइन है यहाँ पे अगेन सिद्धू पाजी से पूछा जा रहा है कि मुझे लगता है कि तुम फिर से कुछ कांड करने वाले हो, तुम फिर से किसी को मारने वाले हो, और तुम्हारे डब में क्या है और तुम्हारे दिल में क्या है ये मुझे बताओ. लाइक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है. एंड अगेन यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे ना तो सिद्धू पाजी की जो पिच है वो थोड़ी बहुत ट्रैक में चेंज हो रही है. लाइक जब कोई दूसरा बंदा या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर बात कर रहा है, ऐसे स्टार्टिंग में फीमेल बात कर रही थी, ठीक है, तो वहां पे दूसरी पिच थी, और उसके बाद जब सिद्धू पाजी बात कर रहे हैं तो सिद्धू पाजी ने अपनी पिच को थोड़ी सी लो कर ली, ठीक है. हाई पिच से लो पिच में तुम्हें शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, और यहीं पे आई थिंक बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों के बीच, दोनों कैरेक्टर के बीच. इसके बाद सिद्धू पाजी चील का रेफरेंस देते हैं कि मैं चील के जैसे डेड बॉडी को नोचता हूँ, जैसे चील डेड बॉडी को नोचती है ना वैसे मैं भी डेड बॉडी को नोचता हूँ. और इसके बाद सिद्धू पाजी कुछ और बार्स है जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि वो कितने ज्यादा डेंजरस है और उनकी लाइफ स्टाइल जो है ना वो खतरों से भरी पड़ी है. लाइक उनकी लाइफ में सब सारी चीजें नॉर्मल नहीं है बाकी लोगों की तरह. अरे यार दिमाग चलता दिल्ली में
इसके बाद अगर तुम ध्यान दो, फिर से पिच चेंज होता है। पिच चेंज होने का मतलब हुआ कि कोई और कैरेक्टर जो है उसकी एंट्री होती है, और फिर जो दूसरी कैरेक्टर है, या तो उनकी गर्लफ्रेंड है या फिर जो गन है, या फिर एग्जैक्टली पता नहीं मुझे कौन है, ठीक है, बट दूसरी कैरेक्टर है, ये कंफर्म है कि वो कैरेक्टर की हमें बातें सुनने को मिलती है। तो जो लड़की है वो सिद्धू पाजी को बोलती है कि क्या चीज है, क्या बातें है, चलो मुझे बताओ और मेरे साथ तुम चलो घूमने, मतलब साथ में वॉकिंग करने चलो। और इसके बाद सिद्धू पाजी के साइड से हमें कुछ डीप लाइन सुनने को मिलती है कि आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लाइक तुम आज हो कल शायद नहीं रहोगे। अगेन अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो ही इज अगेन प्रिडिक्टिंग हिज फ्यूचर, क्योंकि ये गाना उन्होंने अपने डिमाइस के पहले ही लिखा है। लाइफ आज कल बे भरोसा की है सारी दा, देख तैनू समझी के वैम नहीं हो। और इसके बाद बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पे सिद्धू पाजी ने प्रेम ढिल्लो को रिप्लाई किया है, क्योंकि सिद्धू पाजी जो है वो मालवा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ सिद्धू पाजी बोल रहे हैं कि जो मालवे का जट है उसको देख के जो मांझे वाला जट है उसकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रेम ढिल्लो को रिप्लाई किया गया है। और तुम्हें पता भी होगा जब सिद्धू पाजी की डिमाइस नहीं हुई थी उस टाइम पे प्रेम ढिल्लो और सिद्धू पाजी की बीफ भी चल रही थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। मैंने एक वीडियो भी बनाया जहाँ पे मैंने प्रॉपरली सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था। और फिर इसके बाद हमें एआर पैसली का वर्स सुनने को मिलता है। तो अगर हम बात करें एआर पैसली के वर्स की, एआर पैसली का वर्स मुझे बहुत सही लगा। अगेन एआर पैसली ने जो ट्रैक की थीम थी, जो ट्रैक की सिद्धू पाजी के जो लिरिक्स थी ना, एग्जैक्टली उसी लिरिक्स को कंटिन्यू किया। See, he had a plan, I bought it a van, and squeeze on the trigger as fast as he can, make sure it don't jam, and he'll get the band, he'll bring the money right. मुझे पता नहीं है कि ये एआर पैसली ने सिद्धू पाजी जब अलाइव थे उसी टाइम में लिखा था या फिर रिसेंटली लिखा है, बट स्टिल एआर पैसली का वर्स मुझे अच्छा लगा। He did really good job here. और फिर एआर पैसली के वर्स खत्म होने के बाद हमें फिर से सिद्धू पाजी का वर्स, सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। और अगर तुम इस वर्स पे ध्यान दो, सो स्टार्टिंग में जो फीमेल थी उसने पूछा था कि अब तुम इस क्लब में हो, जेल से बाहर निकल गए हो, तुम्हें एग्जैक्टली अब करना क्या है, तो सिद्धू पाजी एक तरीके से उस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं कि अब सिद्धू पाजी क्या करेंगे, कैसे वो अपने ऑप्स को मारेंगे या फिर जो भी चीजें वो करेंगे वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। और फिर इसके बाद जो ट्रैक है वो खत्म हो जाता है। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वॉक थ्रू ऑफ द होल ट्रैक। अब हम आ जाते हैं ट्रैक के रिव्यू पे, पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक के साथ। भाई मर्सी, क्या म्यूजिक बनाया मर्सी ने, लाइक क्या बीट प्रोडक्शन है। आई रियली लव्ड द बीट प्रोडक्शन। बीट में मुझे रेस देखने को मिला, एग्रेशन देखने को मिला, और जिस हिसाब से पूरे बीट को अरेंज किया था, ट्रैक के वाइब के हिसाब से जो बीट परफेक्टली मैच कर रहा था, रियली गुड जॉब बाय मर्सी। आई रियली लव्ड द म्यूजिक प्रोडक्शन बाय मर्सी। अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस पे, बात करते हैं सिद्धू पाजी और एआर पैसली की। मुझे ट्रैक का स्ट्रक्चर और ट्रैक की जो स्टोरी लाइन थी ना वो बहुत प्यारी लगी। लाइक ये सिंपल सा ट्रैक नहीं है, ट्रैक में बहुत सारी चीजें हो रही है और शायद ये ट्रैक एक स्टोरी लाइन को भी साथ में लेके चल रहा है। मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि ये ट्रैक शायद कोई ईपी या फिर एल्बम का पार्ट हो जिसे बाद में कैंसिल कर दिया गया हो, ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्टोरी लाइन चल रही है। सिद्धू पाजी जेल से निकले हैं, वो किसी से मिलने गए हैं, उसको स्टोरी बता रहे हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं कि मैं क्यों जेल से आया हूं, मुझे क्या क्या करना है, उनकी लाइफ एग्जैक्टली क्या है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो इसमें। सो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ पूरा ट्रैक बनाया गया था। आई रियली लव द ट्रैक। ट्रैक में जो मैसेज था और ट्रैक की जो लिरिक्स थी, ट्रैक की जो गैंगस्टर वाइब थी, एवरीथिंग वॉज रियली रियली गुड। सो अगर बात करें सिद्धू पाजी की, आई रियली लव दिस परफॉर्मेंस, मुझे मजा आया। एआर पैसली की अगर बात करें तो एआर पैसली ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, परफेक्टली उन्होंने ब्लेंड किया अपने आप को ट्रैक के थीम के साथ, और उनका वर्स ही मुझे अच्छा लगा। सो ओवरऑल अगर रिव्यू की बात करें, आई रियली लव द ट्रैक। मुझे ट्रैक जो है बहुत ज्यादा पसंद आया, और ऐसा ट्रैक है ना जो लूप पे प्ले किया जा सकता है। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द रिव्यू। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कहीं पे भी मैंने कुछ थोड़ा गलत बता दिया हो, ठीक है, तो प्लीज करेक्ट कर देना नीचे, और मैं पिन कर दूंगा उसको, ठीक है। बाकी रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताना। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो तो मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम बीट बनाना चाहते हो, मिक्स मास्टर कराना चाहते हो, तो डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।